अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, एक बड़ी मज़ेदार सी जी छोटी सी रेसिपी। जब आपका शाम को या किसी टाइम पे दिल करे, हल्की सी भूख हो और चटपटा खाने को दिल चाहे, तो ये वो परफेक्ट रेसिपी है जिसमें ना कुछ पकाना है, कुछ भी नहीं करना। ये है जी चिली मिली चाट। इसमें कम आप इंग्रेडिएंट भी कर सकते हैं, लेकिन सबज प्याज है, चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, लेमन और टमाटर है, सेब हैं और पापड़ हैं। ये वाले मैंने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड करके कर लिए क्रिस्पी। और ये देखिए आप, अच्छा ये चिली मिली जो है ना, इसको आपने नैपकिन के साथ ज़रा साफ़ कर लेना है, क्योंकि जेलेटिन होती है इसके ऊपर। शायद उन्होंने अलग अलग इसको रखने के लिए ना कुछ लगाया होता है पाउडर नुमा चीज़, तो आपने इसको टिश्यू पेपर या उससे इसको साफ़ कर लेना और छोटा छोटा काट लेना है। अब ठंड है तो ये थोड़ा हार्ड होगी, आप इसको बिल्कुल या तो आग के पास थोड़ी देर के लिए रखें तो ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए, और इसको कैंची से काट लीजिए। मुझे पूरी पसंद है तो मैंने पूरी डाली है, लेकिन इसको छोटा बाइट ही से भी कम होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है और ज़ीरा डाल दिया, सारा चाट मसाला आधा डाला है। और इसके बाद जो है आपने जो है टमाटर छोटा एक लेके उसको आपने चॉप कर लेना है, चाहे तो आलू भी साथ लगा लेंगे, लेकिन फिर वो जितना और चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो चिली मिली जो है उसका टेस्ट जो है वो दबता जाएगा, तो जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। आप जो है वो पफ राइस भी आप डाल सकते हैं सेब की जगह पे, तो ये सेब डालने हैं आपने, टमाटर चॉप डालने हैं, ग्रीन चिलीज आप डाल सकते हैं इसके अंदर बारीक बारीक काट के, तो बस ये डाल के और साथ आपने जो पापड़ है उसको आपने क्रश कर लेना हाथ के साथ, ताकि वो बाइट साइज बन जाए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच डालने के लिए जो है। तो ये इसको बस आपने इसको छोटे पीसेस में करके डालना है। और अब क्योंकि अभी तक हमने जितनी चीज़ें डाली हैं वो ड्राई हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप दही वाली चटनी वगैरह आपने नहीं डालनी इसमें, आपने सिर्फ लेमन जो है वो आपने डालना है। अगर आपको थोड़ी सी स्वीटनेस इसमें ऐड करनी है तो हम इसको मीठी इमली की जो बनी बनाई चटनी है वो मैंने डाली है, आप वो इस्तेमाल करें। और बस इसके बाद हमने इसको कर देना है मिक्स अच्छी तरीके से, चाहे आप लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बना बनाया जब हम सब चीज़ें लगा रहे हैं चाट मसाला तो उसमें फ्लेवर्स खुद बनाने की ज़रूरत ही क्या है, तो थोड़ा बाकी का चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए दोबारा मुँह में पानी आना शुरू हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये चीज़ बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा।